नवजीवन अकादमी नुनुड़ी पाथरडी धनबाद, यहाँ 9th, 10th, 11th, 12th झारखंड बोर्ड, NIOS, CBSE बोर्ड आदि आर्ट्स, कॉमर्स एवं साइंस तीनों स्ट्रीम की कक्षाएं प्रदान की जाती है। यहाँ ग्रेजुएशन की क्लासेस के तहत BBM के यू धनबाद के पाठ्यक्रम के अनुरूप BCOM, BA एंड BSc के कोर एवं जनरल विषय भी पढ़ाए जाते हैं। CTET, JTET, UGC NET, रेलवे, बैंकिंग, SSC आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी क्लासेस होती है। स्पोकन इंग्लिश के विशेष कक्षाएं चलती है। इसके अलावा करियर काउंसलिंग प्रोग्राम एवं मोटिवेशन क्लासेस भी कराया जाता है। सभी कक्षाएं सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा ली जाती है। हमारा संपर्क सूत्र है 9031126668 और 7979096305। कनकनी ग्रामीण एकता मंच के द्वारा सोमवार को एक प्रेस वार्ता रखा गया। आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संजय चौहान ने कहा कि 24 सितंबर को जिन पर केस किया गया वे सभी मजदूर हैं। इसी को लेकर प्रेस वार्ता किए और पूरे कोयलांचल के लोगों को बताना चाहते हैं कि नियोजन के लिए कंपनी हम लोगों को बुलाया, तब हम लोग गए। उस वक्त प्रशासन मौजूद थी। हम लोगों का आधार कार्ड लोयाबाद थाना प्रभारी चुन्नू मुर्मू ने चेक किया, साथ ही ऊपर से नीचे तक जांच पड़ताल करके कंपनी के कार्यस्थल पर जाने दिया। उसके थोड़ी देर बाद थाना प्रभारी कार्यस्थल पर आकर बोले कि जल्दी से काम में लग जाइए क्योंकि 300 से 400 का जुलूस आ रहा है, बचकर रहें। अब सवाल यह है कि कार्यस्थल पर 144 लागू होने के बाद भी 400 का जुलूस कैसे आए, जो हम लोगों को मारपीट करके भगा दिया। अब हम लोगों पर केस किया जा रहा है। जब हम लोगों की जांच पड़ताल करके कार्यस्थल पर भेजा गया तो हम लोगों के पास गोली बम बारूद कहां से आ गया। पुलिस के सामने सब कुछ हुआ और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। उनको पहले से पता था कि भीड़ आ रही है तो पुलिस अपने उच्च अधिकारी से बात कर फोर्स मंगवा कर कंपनी का काम चालू कर सकते थे। साथ ही संजय चौहान ने जिला प्रशासन से ये मांग किया कि कंपनी और मजदूरों पर जो झूठी केस दर्ज हुई है उस पर निष्पक्ष जांच पड़ताल करें। रामावतार कंपनी यहाँ नई आई हुई है बेरोजगारों को रोजगार देने, लेकिन यहाँ के गुंडा तत्वों कंपनी को भगाने का काम कर रही है। मगर कंपनी चलेगी तभी तो रोजगार मिलेगा। यदि कंपनी भाग जाएगी तो यहाँ जो रोजगार आई है वो छिन जाएगा। जो घटना रामावतार कंपनी में हुई वो समाज के लिए अच्छा नहीं है, इसकी घोर निंदा करता हूँ और पुलिस प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि निष्पक्ष जांच करें। प्रेस वार्ता के मौके पर संजय चौहान, राजेश रविदास, शशि चौहान, रामाशंकर, असगर खान आदि दर्जनों लोग मौजूद थे। हम लोग को अंदर में इजाजत दिए जाने के लिए उस समय उन्होंने साफ शब्दों में बोला कि आप लोग जल्दी से जल्दी काम में लग जाइए, उधर से राम रहीम का और इनका भीड़ आपका आपके ऊपर आ रहा है, कंपनी के ऊपर आ रहा है, बच के रहना। ये किसने कहा आपको? ये थाना प्रभारी बोले। अच्छा, तो मैं मांग करता हूँ कि उनको कैसे पता था कि अगला पार्टी 300-400 के भीड़ लेकर करके और कार्यस्थल पर आ रहा है और वो भी कार्यस्थल में 144 लगा हुआ है, उसके बावजूद भी उतना भीड़ आया और हम लोग के ऊपर हमला किया गया। जब हम लोग के ऊपर हमला किया गया उसके बाद में हम लोग को भगा दिया गया मारपीट करके और गोली बम और चलने लगा। इस बीच में अगर हम लोग के ऊपर केस अगर किया जा रहा है तो ये थाना प्रभारी के माध्यम से उनके कहने पर केस किया जा रहा है। जब हम लोग को जांच पड़ताल कर के और काम पर लगाया गया तो मेरे पास में गोला और बारूद या पिस्टल कहाँ से आएगा जो कि हम लोग वार कर सकते हैं। उन्होंने भीड़ को आने दिया और पुलिस के मौजूदगी में भीड़ आया है और मुख दर्शक बन के रह गई प्रशासन। अगर उनको पता था कि ये भीड़ आने वाली है तो वो प्रशासन से उच्च अधिकारी को बताते और वहाँ से फोर्स को मंगा करके काम चालू करवा सकते थे, लेकिन एक साजिश के तहत ये घटना को अंजाम दिया गया, वो भी प्रशासन के मौजूदगी। तो आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि आप घटना का निष्पक्ष जांच करें और जो मजदूर काम कर रहे थे उन पर केस करना बंद करें। आपका कहने का मतलब है कि आप पर जो केस किया गया वो झूठा केस है? वो झूठा केस है।
कंपनी आपको वहाँ कार्यस्थल पर नियोजन दी थी? हाँ, कंपनी कार्यस्थल पर नियोजन दी थी आप लोगों में से 15 आदमी को नियोजन दी थी, जिसमें वहाँ पे आधार कार्ड भी जमा है, जो असामाजिक तत्व जो आए वो फाड़ के बिक दिए। कॉपी एंट्री है, अब ये पता नहीं है कि कॉपी जो एंट्री हुआ है वो कॉपी एंट्री है या नहीं है, वो भी फाड़ गया होगा, इसकी हमको जानकारी नहीं है। आप लोगों में से कितने पर केस हुआ? लगभग जितने मजदूर हम लोग हैं सब पर केस हुआ। आपने कहा गोली बम चला है, किनके नेतृत्व में गोली बम चला गया था? वो तो प्रशासन के मौजूदगी में गोली और बम चला है, जो हम लोग को मार के भगा दिया गया, तो हम लोग तो वहाँ उपस्थित नहीं है, तो फिर हम लोग पर उल्टा केस क्यों किया जा रहा है? हम लोग को तो जानकारी नहीं है कि गोली और बम चला है। जब हम लोग वहाँ उपस्थित रहते तब तो पता चलता कि हाँ गोली और बम चल रहा है, किसके माध्यम से किधर से चल रहा है। ये तो सवालिया निशान प्रशासन पर उठता है कि वो प्रशासन रहते भर में गोली और बम चल रहा है। पता चला कि वहाँ के एम्प्लॉय को भी कोई गोली लगा है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, और बहुत कुछ कहना मेरे पास में है, बोलिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो हम लोग को स्थानीय कोयलांचल के लोगों को 75% जो नियोजन देने का काम किए हैं, मंत्रालय में पास करवाए हैं, उनको मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जो कोयलांचल के बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने के लिए उन्होंने 75% 20% से बढ़ा करके 75% कर दिए, उनको मैं सलाम करता हूँ।